तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल और ये है कुछ बाहर के ये गेट का पूरा ये व्यू। तो आइए चलते हैं, अभी हम आपको लेके अंदर और अंदर का हम आपको व्यू दिखाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, ये स्वास्तिक का निशान बना है और यहाँ पे चाइनीज लिखा है। और आइए अभी हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं इस मंदिर के बारे में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, द चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल इरेक्टेड बाय मिस्टर ली चुंग फेंग फ्यूकिन चाइना बुद्धिस्ट एरा 2483 AD 1938। तो यहाँ पे चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो। तो आइए चलते हैं, अभी हम आपको लेके अंदर। और ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा मंदिर का ये व्यू। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है लुम्बरी के बारे में, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बरी में जहाँ पे उनका गौतम बुद्ध जी का जहाँ पे जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में जहाँ पे अपने प्राणों को त्यागा था। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन और ये है पूरा परिसर जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये देख सकते हैं, ये कुछ मैप के द्वारा यहाँ पे कुछ शो किया गया है। जिसमें सारनाथ, बोधगया, नालंदा, कामरूपा सब कुछ यहाँ पे शो किया गया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन इधर भी है तो इधर भी आप देख सकते हैं। और ये आप देख पाएंगे जो परिसर है काफ़ी शांति भी है और काफ़ी यहाँ पे सुकून भी है।
और ये देख पाएंगे मंदिर के बाहर ही यहाँ पे एक मैप लगा है इंडिया का, और इसमें ये शो किया गया है कि हेंग स्वांग इंडिया कैसे आया और कब आया। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैप के थ्रू यहाँ पे रास्ता भी बताया गया है। और देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा है, और ये हेंग स्वांग आया था हर्षवर्धन के काल में। बात करें हेंग स्वांग की तो वह एक चीनी यात्री था, और हेंग स्वांग का जन्म लगभग 602 ईस्वी में चीन के लुयोंग स्थान पर हुआ था, और वह एक दार्शनिक घुमक्कड़ और अनुवादक भी था। और हेंग स्वांग का चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व है, और उसे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स भी कहा जाता है। हेंग स्वांग को एक सपने में भारत जाने की प्रेरणा मिली थी। हेंग स्वांग 7वीं सदी में भारत आया, और उसने बौद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थानों का भ्रमण किया, और उपमहाद्वीप में पूर्व एवं पश्चिम में लगे इलाकों की यात्रा की। और हेंग स्वांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का संस्कृत से चीनी अनुवाद किया, और चीन में बौद्ध चेतना मत की स्थापना भी की। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो पूरा परिसर बसा हुआ है 11 बीघे का, यह क्षेत्र बगीचा सहित इस मंदिर को समर्पित किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है नाम दादा पूज श्री तेयू श्री लियोंग सिए याओ श्री लियोंग सिए कोई चीनी बौद्ध संस्था द्वारा अंकित बौद्ध मंदिर सारनाथ वाराणसी भारत।